हिमाचल में ओल्ड पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए एसओपी को लेकर इंतजार भी खत्म हो गया है। मुख्य सचिव ने ओल्ड पेंशन बहाली को लागू करने के नियम और शर्तों की एसओपी जारी कर दी है। अपनी एसओपी के साथ सरकार ने आखिरी फैसला अब कर्मचारियों पर छोड़ा है। कर्मचारियों को ओपीएस या एनपीएस के विकल्प को चुनना होगा। कर्मचारियों को 60 दिन के अंदर लेना होगा फैसला। अपने फैसले के मुताबिक निर्धारित फॉर्म भरना होगा। कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों को फॉर्म और अंडरटेकिंग देनी होगी। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विकल्प नहीं बदल सकेंगे। तय समय पर विकल्प नहीं भरने पर कर्मचारी को एनपीएस के तहत गिना जाएगा। सरकार ने एसओपी में स्पष्ट कर दिया है कि जो कर्मचारी ओल्ड पेंशन बहाली को चुनते हैं उन्हें सेंट्रल सर्विस रूल 1960 के तहत जीपीएफ सुविधा का लाभ मिलेगा। वहीं एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की दय 14% राशि जमा की जाती रहेगी। 15 मई 2003 से 31 मार्च 2023 के बीच में रिटायर या मृत कर्मचारी के परिजनों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन उसके लिए सभी शर्तों का पूरा होना जरूरी है। ऐसे में कर्मचारियों को अंडरटेकिंग देकर ये सुनिश्चित करना होगा सरकार की तरफ से मिली राशि और डिविडेंड को वापस लौटाएंगे। यानी सरकार ने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया है। अब कर्मचारियों को तय करना होगा कि उन्हें पेंशन की किस प्रणाली के तहत गुजारा करना है। सूरत समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।